स्वागत है आपका HYD TV के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। हर छोटी और बड़ी खबर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। KCR ने हैदरगुड़ा में नए MLA क्वार्टर का उद्घाटन किया। रह सकेंगे 239 MLA। देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए तेलंगाना के डॉक्टर्स। हड़ताल के कारण रोगियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। किशन रेड्डी ने ली MP पद की शपथ। हैदराबाद में हर शनिवार और रविवार को लगाएंगे जनता दरबार। अकबरुद्दीन ओवैसी को लंदन के अस्पताल से मिली छुट्टी। 19 जून को हैदराबाद लौटने की है संभावना। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष बोले PM मोदी, नंबरों की चिंता छोड़ दीजिए, आपका हर शब्द है मूल्यवान। और काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को मिली बड़ी राहत। शपथ पत्र मामले में हुए बरी। और अब समाचार विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA द्वारा दिए गए हड़ताल की कॉल पर आज देश भर के सैकड़ों डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। इस हड़ताल के कारण रोगियों को देरी और कई अस्पतालों में अपॉइंटमेंट रद्द करने का सामना करना पड़ा। हालांकि निजी अस्पतालों में सेवाओं को जारी रखा गया है, लेकिन उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या कम देखी गई। हड़ताल के भारी प्रभाव को देखते हुए सरकारी अस्पतालों के सभी सुपरिंटेंडेंट को संकट से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। पूरे चिकित्सा बिरादरी ने देश भर में डॉक्टरों पर बार बार हो रहे हमले की घटनाओं के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर के रमेश रेड्डी ने कहा कि हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और सेवाएं जारी रहेंगी। పై దాడులు, వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు, ఆసుపత్రులపై దాడులు, ఆసుపత్రులపై దాడులు, వైద్యులపై దాడులు, వైద్యులపై దాడులు, వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदरगुड़ा में आधुनिक शैली में बनाए MLA क्वार्टर भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि 166 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 एकड़ भूमि में इस भवन का निर्माण किया गया है। इन भवन और परिसर में विधायकों के साथ उनके कर्मचारी और मजदूर भी रह सकते हैं। यहाँ पर 119 विधायकों के साथ अन्य 120 विधायक रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 मंजिला इस भवन में स्टाफ के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। इसमें कुल 36 फ्लैट हैं। 12 अटेंडरों के लिए भी फ्लैट बनाए गए हैं। भवन के दूसरे मंजिल पर कार्यालय, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स रूम मौजूद हैं। KCR ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर 23 विजिटरों के लिए कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर एक क्लब हाउस, एक व्यायामशाला भी बनाई गई है। 12 मंजिला इस भवन में विधायकों के लिए 120 फ्लैट हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमारका ने TRS सरकार से कालेश्वरम योजना निर्माण कार्य में लगी राशि को लेकर श्वेत पत्र मांगा है। उन्होंने परियोजना से जुड़े सिंचाई क्षेत्र, जलाशयों में भंडारण, आपूर्ति और डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों की जानकारी देने की मांग की है। साथ ही योजना से जुड़ा DPR लोगों के सामने रखने को भी कहा है। मल्लू ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि परियोजना के उद्घाटन के बाद कितनी भूमि में सिंचाई होगी और कितनी जलापूर्ति की जाएगी तथा जलाशयों में भंडारण कितना होगा। महाअद्भुतंगा भावించేటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి సమాచారం దానిలో దురినియోగతన నిధుల గురించి తెలుస్తా ఉంటే నిజంగా తెలంగాణ ప్రజానికం ఈరోజు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నెట్టివేయబడుతుందో కూడా దీని ద్వారా అర్థమవుతా ఉంది మనకి। 21వ తారీఖు నాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కాళేశ్వరం ప్రారంభిస్తారట ప్రాజెక్టును।
నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానం ప్రకారం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభించడం అంటే ముఖ్యంగా నీటిపారుదల సంఘం సంబంధించి నీళ్లు వదలటం, అవి కాలువల ద్వారా ప్రవహించటం, పంట పొలాలకు వెళ్ళటం. కానీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సంబంధించి ప్రారంభోత్సవం నేను అడుగుతా ఉన్నాను వాళ్ళని సూటిగా, రేపు 21వ తారీఖు నాడు మీరు ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఎన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వదులుతూ ఉన్నారు? ఎన్ని లక్షల ఎకరాల నీళ్లు బారబోతూ ఉన్నాయి? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एमपी पद की शपथ ले ली है। दूसरी ओर खबर ये भी है कि किशन रेड्डी हैदराबाद में हर शनिवार और रविवार को जनता दरबार लगाएंगे। इस दरबार के माध्यम से केंद्रीय मंत्री लोगों से रूबरू होंगे। इस दौरान लोगों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी लेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज मोहल्ला और विठलवाड़ी क्षेत्रों में पदयात्रा भी की। उन्होंने विठलवाड़ी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान व्यक्तियों के आदर्श मार्ग पर युवा आगे बढ़े हुए देश और राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें, इससे विकास की गति और तेज होगी। जी किशन रेड्डी अनु नेनु लोकसभा सभ्युनिगा ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసములు కలిగినందునని, భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించదననియు నేను స్వీకరించబోవు. ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసములు కలిగినందునని, భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించదననియు నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యంను శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహించదననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और चंद्रायन गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को लंदन के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। असहनीय पीड़ा के चलते उन्हें लंदन के अस्पताल में रेफर किया गया था। 19 जून को उनके हैदराबाद लौटने की संभावना व्यक्त की गई है। बताया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी हमले में लगी गोली के गुर्दे में फंसे होने के कारण असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे। उनका स्वास्थ्य काफी नाजुक माना जा रहा था। उनके बड़े भाई एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ होने की दुआ की। वहीं हैदराबाद भर में कई स्थानों पर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए दुआएं की गई। उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना की राजनीति में मजलिस पार्टी को विपक्ष का दर्जा देने को लेकर सियासत काफी गर्म है। भाजपा और कांग्रेस ने इस पर स्वर ऊंचा रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम का प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया है। तेलंगाना में मानसून के आने से पहले जीएचएमसी की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसी संबंध में मानसून इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ट्रांसको और जीएचएमसी अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें जीएचएमसी मेयर बोंतुरा मोहन, कमिश्नर दाना किशोर, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में बोंतुरा मोहन और दाना किशोर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। मानसून एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स अलग मेट्रो वाटर बोर्ड నుంచి కూడాను ईआरटी टीम्स एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स ट्रांसको నుంచి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ అట్లాగే పోలీస్ చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకొని వీటికన్నింటి కూడాను జిపిఆర్ఎస్ పెట్టాలి, గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్స్ పెట్టి ఆ వెహికల్స్ అన్నిటి కూడా పెట్టేసేసి ఈ 493 టీంలో ఆదాపు ఒక 350 టీంలు ఇక్కడ ఫార్మ్ అయినా ఇంకా కొన్ని టీంలు ఫామ్ అవుతాయి వచ్చే వారంలో. వీటికన్నింటి కూడాను ఆ పొజిషన్ సిస్టమ్ పెట్టినప్పుడు గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఈ వెహికల్స్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయి వాటిని మనము గమనించవచ్చు. మ్యాప్లైనా మనము ఒక మ్యాప్ను చూసుకొని కంప్యూటర్లో చూసుకుంటే కనబడుతూ ఉంటాయి. మనం అవసరమైనప్పుడు పలానా వెహికల్స్ ఈ చుట్టూ ఉన్న 10 వెహికల్స్ ఇక్కడికి రావాలి అనేటువంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కూడా దీనికి ఏర్పరచడం జరిగింది. మరి 7-8 లైన్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి సంవత్సరం దీనికి ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికన టీం తయారు చేసుకుంటారు. మనం ఎంత తయారు చేసుకున్నప్పటికీ
ఎన్ని చేసినప్పటికీ ఏదో ఒక మూల ఇంకా చేస్తే బాగుండు, ఇక్కడ ఏదో లోటు ఉంది అనేది మరి వాళ్ళ సిటిజన్స్ కానీ మన రకరకాల వ్యక్తుల ద్వారా కానీ వస్తుంటారు. దాన్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒకటికి రెండింతలు అధిగమించుకుంటూ దాన్ని సమర్థవంగా ఎదుర్కోవడానికి రకాల రకాల పద్ధతిలో ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर में 14 पोस्ट पर अवैध रूप से भर्ती की गई. इस भर्ती के खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज भी धरना प्रदर्शन किया. बता दें कि छात्रों द्वारा ये धरना पिछले 6 महीने से दिया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. बाद में PDSU SF के नेता धुप्पा रंजीत, गड्डम श्याम, राकेश रमेश और शंकर को गिरफ्तार करते हुए उन्हें OUPS में ट्रांसफर कर दिया गया. అమ్ముకొని ప్రొఫెసర్ నరేందర్ కొమ్ము కాశాడు అధికారుల అవినీతితో. దానికి వీసీ కూడా ఉత్సాహం పలుకుతున్నాడు. ఈ సందర్భంగానైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగాలను తీసివేసి తెలంగాణ నిరుద్యోగ కట్టబెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకమైన విధానాలు తెలంగాణలో सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन परिधि में 5 बच्चों के घायल होने की घटना घटी है. जानकारी के अनुसार एबिट्स में स्थित क्रेजी चिकन नामक एक गेमिंग जोन में जिस समय बच्चे इलेक्ट्रिक झूलों पर खेल रहे थे तभी अचानक लाइट चली गई जिससे झूला खेल रहे बच्चे गिरकर घायल हो गए. घायल 5 बच्चों को करीब के ही आदित्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना में जख्मी एक बच्ची के मामा ने बताया है कि गेम जोन क्रेजी चिकन के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है. सुल्तान बाजार पुलिस ने इस संबंध में एक केस दर्ज करते हुए इस मामले की जाँच शुरू कर दी है. मैनुअल है इनके पास, अच्छी पूरा अंधेरा पूरा टॉर्च लेना हमारे बच्चों का. बच्चों की जगह है ऑटोमेटिक भी नहीं है, जनरेटर खोले बात एक मिनट क्या करना वो ऊपर गया ऊपर जा रहा है. हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन परिधि में एक अज्ञात व्यक्ति के फांसी लगाने की घटना प्रकाश में आई है. स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि HMDA के मैदान में एक व्यक्ति की पेड़ से लाश लटकी हुई है. जानकारी मिलने के बाद सैफाबाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव का मायना करने के बाद परीक्षण के लिए लाश को उस्मानिया अस्पताल भेज दिया. घटनास्थल पर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई मिली हैं जिसके कारण पुलिस अपनी जांच में इस बात का भी पता लगा रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर कत्ल का. बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की. लोकसभा चुनाव के बाद संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज नया सत्र शुरू हो रहा है. मोदी ने विपक्ष से कहा कि नंबरों की चिंता छोड़ दीजिए. चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है. अनेक नए साथियों के परिचय का एक अवसर है और जब नए साथी जुड़ते हैं तो उसके साथ नया उमंग, नया उत्साह, नए सपने भी जुड़ते हैं. जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है. और मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें. देश की जनता ने उनको जो नंबर दिया है लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है. सुपरस्टार सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है. सोमवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान खान को एक मामले से बरी कर दिया गया है. दरअसल काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान खान पर एक मामला था जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था. सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में
तीन केस दर्ज हुए थे, उनमें से एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट में तो सलमान खान को पिछले साल बरी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को उनका लाइसेंस कोर्ट में जमा कराना था। सलमान ने कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराते हुए दलील दी थी कि उनका लाइसेंस खो गया है। उन पर आरोप लगा कि सलमान के पास लाइसेंस है लेकिन उन्होंने इसे रिन्यूअल के लिए दे रखा है। सलमान के इसी शपथ पत्र को झूठा कहा गया था। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। सलमान खान ने अपने लाइसेंस के गुम होने की झूठी सूचना अदालत में दी और झूठे शपथ पत्र पेश किए। इस संबंध में करीब 16 साल की सुनवाई के पश्चात आज अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। अदालत ने माना कि ऐसा कोई आशय नहीं था सलमान खान का जिसने झूठा शपथ पत्र पेश किया हो या उसका लाइसेंस की उसको नॉलेज में हो और उसे जानबूझकर गलत तथ्य अदालत को बताए हो। इस ढंग से आज दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। प्राइम टाइम में ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। देखते रहिए HYD TV।